आशीष का टिफिन पैक हो गया है, ऑफिस जाएगा अभी आशीष भी। आशीष के पापा गए तो आज नाश्ते में आलू का परोठा बनाया है। बस अभी नाश्ता कर लेती हूँ मैं, ये मेरा नाश्ता है। हेल्पर ने छुट्टी ली है, अभी उसका फोन आया, बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं आएगी। वो लोग तो ऑफिस गए, मेरी चाय पानी की तो अभी कर लेती हूँ। दोपहर का तो मेरा और पापा जी का ही रहता है, तो इतने बर्तन नहीं होते। Thank you.
नया झाड़ू डाला है, पूरा भूसा निकलता है, साफ भी किया तो भी निकल ही जा, दो चार दिन तो आएगा ही। हो गया पत्ता मार के, पैर से ही मारा, बैक का प्रॉब्लम है, नहीं कर सकती बैठ के, पहले तो करती थी अब नहीं करती हूँ, बैक काफी पेन होता है। इनको भी सबको धोने डाल दिया है, सारे काम बेड भी सही कर दिया है, नीट एंड क्लीन। ये भी टूट गए हैं तोरण, इनको भी बनाना है। कंप्लीट साफ हो गया है, सफाई सब होने के बाद में एक धूप तो अच्छा लगता है, घर में एकदम पॉजिटिव वातावरण हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। पूरा साफ सफाई हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाए, फिर ये धूप लगाता है ना, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। हो गए भाई सारे काम, फिर ही बर्तन बाकी के भी साफ हो जाएंगे। पापा जी भी खाना खा रहे हैं तो चलिए पहले मैं भी खाना खा लेती हूँ। बेसन की सब्जी है ये, हम लोग में इसे बेला की सब्जी बोलते हैं, मतलब गट्ठा नहीं है, ऑलमोस्ट गट्ठे जैसा ही रहेगा। तो इसमें बेसन में मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया, कसूरी मेथी, थोड़ा सा तेल, नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सूखे में, फिर हम इसके बेला बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटा गूंथ लेते हैं, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे और गीला हो जाता है।
जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही। घर में कोई सब्जी ना रहे हुए तो ये सब्जी आराम से आप बना सकते हैं। रोटी और चावल के साथ, दोनों के साथ अच्छी लगती है। बस ऐसे ही बनाना है। अभी इनके पतले पतले ऐसे लेके हथेलियों के बीच में बन के इनके ऐसे बेले बनाने हैं बस। फिर इनको उबाल लेंगे। वो ज़्यादा पतला आटा नहीं करना है, ऐसे थोड़ा टाइट ही रखना है। रोटी बनाते हैं जिसमें, अब इनके बेले बना लेंगे। गरम इनको बॉईल कर लेते हैं, फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। पानी तो गर्म हो गया है, ऐसे बनाने हैं सारे। ऐसे बना के अभी इनको उबलते पानी में डाल देंगे। बस अभी इनको उबाल लेते हैं, एक 5-10 मिनट में तैयार हो जाएगा। 5-10 मिनट के लिए उबलने देते हैं। तैयार है, अच्छे से फूल जाते हैं, मतलब अच्छे से ये पक गए हैं। अभी इनको वघार कर देते हैं। कुछ नहीं, बस तेल में मैं थोड़ा सा दही, हल्दी, मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के तेल में राई जीरा, हींग और कड़ी पत्ता डाला है। अब इसमें दही, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, गरम मसाला सब मसाला डाल दिया। अब इसको मिक्स करके तेल में डाल देंगे। अभी मिक्स कर दिया, अभी इसमें डाल देंगे। बस मसाला भून जाए तो फिर हम इसमें बेला डाल देंगे, जो उबाल के रखे हो। मसाला तेल छोड़ने लगेंगे तो फिर हम बेला डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम ये बेला डाल देंगे। बस एक उबाल आ जाए, तैयार है सब्जी। इसको एक उबाल आने देते हैं, जब तक हरा धनिया धो लेती हूँ। उबाल आ गया है, अब गैस बंद कर देंगे। तो बेले तो हमारे में पहले से पके हुए ही है। हरा धनिया डालते हैं, मिक्स कर देते हैं। तैयार है सब्जी।